अरे आ गए आप लोग इतनी जल्दी यार। अभी तो रात हो रखी है, आप एक काम करना, आप सोवे आना ठीक है, क्योंकि अभी हो रखी है रात और मुझे आ रही है यार बहुत ज्यादा नींद। तो मैं चलता हूँ सोने के लिए और मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। सो टाटा एंड गुड नाइट गाइस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज विकी एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक और तरोताजा व्लॉग के अंदर। व्लॉग तो तरोताजा है लेकिन मैं नहीं हूँ। होपफुली आप सब मौज काट रहे होंगे एंड मैं भी एकदम टकाटक हूँ। फाइनली मैं जग चुका हूँ और यार आपको पता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज मैं कितना जल्दी जगा हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ, टाइम देखो आप। आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ भाई, जेन्युइनली माँ कसम अब बज रहे हैं 5:45। और आप लोगों को पता है इतने जल्दी जगने की वजह क्या है आखिर? भाई एक्साइटमेंट। जी हाँ, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने की एक्साइटमेंट यार। और होपफुली आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होगी आज का मजेदार व्लॉग देखने की। मजेदार इसलिए क्योंकि पता है आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं, नहीं नहीं यार अभी ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले जरा नहा धो लेता हूँ, नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, तब बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि यार बिना नहाए धोए ना वो एनर्जी वाला मजा नहीं आता, आलस सा छाया रहता है, लुल्लू सा। तो पहले चलते हैं, नहा धो के आते हैं और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है? सो गाइस, फाइनली नहा धो के ऑल सेट। और आज आपके भाई ने पहनी है ये पीली टी शर्ट और ये चड्डा। अगर जंगल जाओ ना तो भाई कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, मानते हो कि नहीं? ये तो फिर से रिवील हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको कि गाइस आज मैं जाने वाला हूँ जंगल, केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि मेरे शहर में पड़ता है। और आज हम रुकने वाले हैं उसके अंदर पूरे 12 घंटे, यानी कि ये हमारा खुद का चैलेंज है कि आज हमको 12 घंटे बिताने हैं जंगल के अंदर। कैसा होगा, अच्छा होगा, मजा आएगा या फिर परेशानी होगी वो देखी जाएगी, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि आपको ज़रूर मजा आएगा। और गाइज वहाँ जाने की भी कुछ जंगल की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप सीधे मुंह उठाओ और चले जाओ जंगल में। वहाँ जाने की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सबसे पहली मेन चीज़ तो ये है कि आपको अपनी बाइक, स्कूटी या फिर कुछ भी इंजन वाला व्हीकल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो भी इंजन वाले व्हीकल्स होते हैं वो भाई पॉल्यूशन मचाते हैं। जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो आवाज़ होती है ना, तो नॉइस पॉल्यूशन हो गई, और धुआं छोड़ते हैं तो एयर पॉल्यूशन हो गई, जो कि जंगल के लिए भाई बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसी वजह से ये सब अलाउड नहीं होते। अगर आप चाहो तो पैदल जाओ, और पैदल नहीं तो साइकिल, साइकिल लेके जा सकते हो। इसीलिए मैंने साइकिल भी अरेंज कर लिया गाइस, तो चलो आपको दिखाता हूँ साइकिल अपनी, आ जाओ गाइस। वैसे तो मेरे पास खुद की साइकिल तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने अरेंज किया अपने आस पड़ोस में से, लेकिन कर लिया। चलो दिखाता हूँ, ये देखो जेड ब्लैक। तो आज जाने वाले हैं इस पर, और इसके बाद दिखाता हूँ आपको अपना सेटअप, मतलब कि अपनी पैकिंग, जो कुछ मैंने कुछ सामान थोड़ा बहुत पैक किया है वो भी दिखाता हूँ आपको। आ जाओ, क्या क्या है ये देखो। सबसे पहले शुरुआत होती है मेरे छोटकू सा बैग सफारी का, ये कराएगा आज मेरी सफारी। और ये अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली छोटी सी पावर बैंक, और ये कुछ वाटर प्रूफ, क्योंकि मेरा आईफोन नहीं है ना यार, तो ये मेरे फोन को आईफोन बना देता है। और ये कुछ वायर्स इसमें लगाने के लिए, और उसके बाद इसमें लगाने के लिए, और इन सब के बाद ये कुछ खाने पीने के लिए, और गॉगल्स, भाई हवाबाजी भी तो जरूरी है ना। सो गाइज फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी। और यार गाइज आज सच में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना कि यार मैं अपनी लाइफ के पहले एडवेंचर पर जाने वाला हूँ आज। यार मतलब मेरा बचपन से सपना था कि मैं कहीं ना कहीं एडवेंचर्स करता रहूँ, छोटे हों या बड़े हों, कैसे भी हों, लेकिन करता रहूँ, ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज फाइनली पहली बार आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं जा रहा हूँ अपना सबसे पहला एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना मुझे भी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और देखते रहना। और यार मैं एक बात और आपको पहले देता हूं कि हो सकता है कि इस एडवेंचर के 2 या 3 पार्ट्स में वीडियो आए, तो ध्यान रखना इस चीज को, मैं कह नहीं सकता कि एक ही व्लॉग में इसको कवर कर दूंगा। तो आप देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लगातार हो सकता है 2-3 वीडियो आए तो उनको भी देख लेना यार, क्या जाता है। ओके तो चलते हैं अपने सफर पर, आ जाओ मेरे साथ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. सो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं केवलादेव नेशनल पार्क के बाहर, यानी कि उसके एंट्री गेट पर। और कुछ ऐसा है उसका एंट्री गेट, ये देखो।
सो गाइस एंट्री से पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके लोकेशन के बारे में। तो गाइस ये पड़ता है राजस्थान के शहर भरतपुर में, जहाँ पर मैं भी रहता हूँ। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है भरतपुर में NH 11 हाईवे इन फ्रंट ऑफ जवाहरनगर रोड, दैट्स इट। तो गाइस ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात। अब देखते हैं कि इसका फेयर यानी कि टिकट वगैरह प्राइस वगैरह कितना है एंट्री लेने का, तो चलो वो पता चलेगा एंट्री लेने के बाद, क्योंकि टिकट हाउस वो उसके अंदर ही है। तो चलते हैं और देखते हैं टिकट कितने की है। और यार मौसम देख लो भाई, मजा डाल दिया आपके भाई के लिए आज भगवान जी ने, थैंक यू गॉड। भैया एक टिकट देना, एक नॉर्मल कितने की है? 126। थैंक यू भैया। सो गाइस कुछ इतना लंबा सा पर्चा मिला है टिकट के रूप में, ये टिकट है हमारी और 120 की टिकट है, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है, यहाँ की नॉर्मल टिकट कहते हैं उसको। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी लेके आओ और सस्ती पड़ जाएगी आपको यार। सो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ एंटर जंगल के अंदर, केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर। और ये देख लो, ये रहा उसका एग्जिट गेट, इसी से एंट्री होती है, इसी से एग्जिट होती है। और इतना अंदर मैं आ चुका हूँ फिलहाल। और गाइस आज में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो मौसम हो रखा है ना यार आप सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा अच्छा मौसम भाई मैंने मनाली में भी नहीं देखा। वैसे गया तो नहीं हूँ मनाली, पर मैंने सुना है अच्छा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ऐसा ही होगा यार, होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। भरतपुर में तो कभी कभार ही देखने को मिलता है ऐसा मौसम, जो आज मुझे मिल गया है मेरी नसीब से, किस्मत से, सो थैंक्स टू गॉड। और चलते हैं आगे और पूरे जंगल को करते हैं एडवेंचर्स, क्योंकि आज हमको करना है पूरे 12 आवर्स का चैलेंज और रहना है सिर्फ जंगल के अंदर। मिलेंगे शाम को 12 घंटों के बाद, तभी जाएंगे घर में, रहना खाना सोना जो कुछ भी करना है जंगल में ही करना है गाइस। सो सी यू सून। अभी जस्ट थोड़ा बहुत चला ही था कि यार बारिश आना शुरू। भाई सच में बारिश देखो यार कितनी तेज आ रही है यार। और पता है आप लोगों को मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? ये देखो इस जगह पे खड़ा हूँ और ये खड़ी है अपनी धन्नो, और ये बारिश होते हुए। भाई जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं तब तक तो हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि यार हम दोनों का मेल नहीं है ना, हम दोनों एक ही क्वालिटी के होते तो निकल जाते, हम दोनों डिफरेंट है बारिश और मैं। अगर बारिश चलेगी तो मैं नहीं चल सकता, मैं चलूंगा तो बारिश नहीं चल सकती, तो पहले चलेगी बारिश, क्योंकि चलेगी तो उसकी ना यार, वो भगवान की देन है। तो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद चलने की कोशिश करेंगे। भाई पहले तो फोन को बचाना पड़ेगा यार, यार देखो क्या क्या करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए यार। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, प्लीज किसी ले लो इसी बात पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइज मैं तो बस आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने आया था, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन नहीं गाइज, घर जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते, व्लॉग आएगा मतलब व्लॉग आएगा। भाई हमने चैलेंज लिया है 12 घंटे का, तो 12 घंटा पूरा करके ही जाएंगे, चाहे जंगल में वॉल्केनो आ जाए, तूफान आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए। अच्छा हमको सिखा रिया है,
सॉरी सॉरी भगवान जी, मजाक मजाक में कह दिया था। सो गाइस नाउ फाइनली अब जाकर मुझे थोड़ा टाइम मिला है आप लोगों से बात करने के लिए। तो बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी बंद हो चुकी है और हाँ थोड़ा अच्छा फील भी हो रहा है। तो अब जरा बात करते हैं जिस जंगल में आया हूँ उसके बारे में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। ये यार मोर और प्याव प्याव करने लग गए। और गाइस इसको बनवाया था हमारे भरतपुर शहर के राजा जिनका नाम था महाराजा सूरजमल। उन्होंने बनवाया था इसको शायद 19th सेंचुरी में बनवाया था और वो आते थे यहाँ पर शिकार करने के लिए। सुन लो पहले इनको सुन लो, हो गया तुम्हारा अब मैं बोलूँ। तो 19th सेंचुरी से ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये अपने अस्तित्व में है यहाँ पर। और गाइस ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप लोगों को बता दूँ ये सच में वर्ल्ड वाइड फेमस है। आप गूगल पर देखोगे तो दुनिया जानती है इसको। यहाँ पर जो पंछी वगैरह आते हैं ना दुनिया भर से आते हैं, मतलब देश के बाहर से भी, साइबेरिया से भी यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स आते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ। इसीलिए इसका नाम है केवलादेव बर्ड सेंचुरी, हिंदी में घना पक्षी विहार समझे। और लोकेशन लोकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि भरतपुर में आप कहीं भी आ जाओ, अगर आप ट्रेन के थ्रू आते हो तो स्टेशन से भी आपको ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ के लिए। और अगर आप बस के थ्रू आते हो तो बस स्टैंड से भी टैक्सी रिक्शा वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको केवलादेव के लिए। सो बस फिर गाइज ये होगी केवलादेव के बारे में बातें और आज के लिए तो शायद मुझे लगता है इतना ही हो पाएगा क्योंकि यार मैं चुका हूँ बहुत ज्यादा थका तो नहीं हूँ लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ बारिश की वजह से और ये कपड़े भी पूरे भीग चुके हैं। थोड़ा बहुत इनको उतार के निचोड़ विचोड़ लेता हूँ क्योंकि भाई अब लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। वैसे आपको एक बात बताऊँ, जैसे राजस्थान में मैं रहता हूँ तो आपको पता होगा कि राजस्थान का गर्मियों में टेम्परेचर पता है कितना रहता है, अब 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब इतनी जलसा देने वाली गर्मी पड़ती है भाई हद से ज्यादा। और आज का टेम्परेचर पता क्या है, मैंने अभी भी देखा था फोन पर भाई 19 डिग्री सेल्सियस। ठंड के मारे कप कप ही छूट गई, खड़े हो गए रोंगटे। सो दैट्स ऑल गाइस, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड क्योंकि गाइस मैं हो चुका हूं परेशान इन गीले कपड़ों से, मुझे इनको सुखाना भी है और शायद ये सब करने में मुझे लग जाएगा एक आध घंटा जो कि आप यहां तो रुक नहीं पाओगे। एंड आई नो वीडियो भी वैसे बहुत लंबी हो चुकी होगी तो बस फिर खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। और हाँ अगर अगला ब्लॉग देख रहे ना गाइस इसमें बहुत मजेदार होने वाला है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना तभी देख पाओगे अगला, और घंटा वो भी दबा देना गाइस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम। अरे आप क्या देख रहे थे, सिक्स पैक्स नहीं देखे क्या, जब है ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से।